are having in an LPT, the constraints on the decision variables x and y are x minus 3y is greater than equal to 0, when y is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, then equal to 3. अगर हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमें एक जो क्वेश्चन था दैट वाज द फिजिबल रीजन इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास ये ऑप्शंस थे. तो अगर हम इनके अकॉर्डिंगली चलते हैं तो हमें इट मीन्स इनका क्या चेक करना था, फिजिबल रीजन. तो एक रफ सा ग्राफ आप इनका बना देंगे. हमें यहाँ दिया था x greater than 0, यानी कि ये वाला आपका इधर वाला और इधर वाला बनेगा, then x less than equal to 3, तो x की वैल्यू जो है वो आपके 3 से लेस इधर बनना था, and then y greater than 0, यानी कि x और y के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आया. उसके बाद x minus 3 y is greater than equal to 0. x माइनस थ्री वाई का जो आपकी लाइन है जब आप उसको प्लॉट करोगे तो उसका जो ग्राफ है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो गिवन है तो जब आप उधर इसको ड्रॉ करोगे तो वो भी आपका इस तरीके से बनेगा, यानी कि जो आपका बाउंडेड रीजन बनेगा दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वार्टर. तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट विल हैव बीन योर आंसर. देन इफ द कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज, ऑप्शन सी हमारे पास क्वेश्चन था हमारा कि अगर लीनियर एलपीपी के कॉन्स्टेंट्स हम चेंज कर देते हैं तो ऑप्शन सी प्रॉब्लम इज टू बी री इवेल्युएटेड, सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड, चेंज इन द कॉन्स्टेंट्स इज इग्नोर. अगर आप कॉन्स्टेंट्स चेंज कर देते हो, यानी कि जब आप ये इनइक्वालिटीज चेंज कर देते हो तो इनइक्वालिटीज चेंज करने से क्या होगा, वो आपके जो गिवन प्रॉब्लम थी इट मीन्स आपने उसको चेंज कर दिया. तो आपका ऑप्शन ए इसमें आंसर बनना था, द प्रॉब्लम इज टू बी री इवेल्युएटेड, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स के बेस पे जो है कॉन्स्टेंट्स जो है वो हम किस बेसिस पे बनाते हैं, जिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है. तो अगर कॉन्स्टेंट चेंज मीन्स प्रॉब्लम चेंज, तो इट मीन्स यू हैव टू री इवेल्युएट द प्रॉब्लम. उसके बाद एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मे इन्वॉल्व, ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, ऑप्टिमाइज करना है यानी कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो हमें ऑप्शंस गिवन थी, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना आ सकता है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना आ सकता है, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज आ सकता है, एंड ऑल ऑफ द अबव. तो हम प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करते हैं, हम कॉस्ट भी मिनिमाइज करते हैं, रिसोर्सेज भी मिनिमाइज करते हैं. रिसोर्सेज किस सेंस में मिनिमाइज करते हैं, जैसे नंबर ऑफ बैट्स या नंबर ऑफ बॉल्स है एक्स और वाई के टर्म्स में कितने होने चाहिए कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो, कि गोडाउन में रखे जा सके या जो भी आपको कंडीशन गिवन हो. तो ये सभी की सभी जो है वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं. तो आपका आंसर यहाँ पे आना था ऑल ऑफ द अबव. देन कंडीशंस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y greater than equal to 3. x और y की जो हमें कंडीशन गिवन होती है इनकी वैल्यू हमेशा greater than या zero होगी, that is the non-negative restrictions. Non-negative restrictions means x or y की value जो है वो आपकी negative नहीं हो सकती, it can be zero. तो इसीलिए non-negative word use किया गया है. Then question number 43 था हमारे पास, the maximum value of z is equal to 4x plus 3y. अब हमें objective function given था 4x plus 3y, इसकी हमें maximum value निकालनी थी और फिजिबल रीजन जो है वो हमें गिवन था. तो आपने क्या करना था, दिस वाज द फिजिबल रीजन गिवन टू यू, आई होप द ग्राफ इज क्लियर नाउ. तो फिजिबल रीजन में आपने ये फोर पॉइंट्स जो हैं जिन ये वाले 1, 2, 3 एंड 4, ये फोर पॉइंट्स ले लेने थे और इनके ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी थी कि कहां पे जेड जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू. पॉइंट्स हमारे पास हैं 0, 24, 16, 16 and then 25, 0, 0. इनके ऊपर आपने z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी और जिस वैल्यू पे आपका जो है z मैक्सिमम आना था दैट वुड हैव बीन योर आंसर. तो z जब हमने यहाँ पुट किया तो 4 × 0 भी आपका 0 हो जाएगा, 24 3 = 72, दिस इज
64 plus 38, that is 112. This is 25 over 100, and this is 3. So, इसमें से अगर आप देखो तो maximum value is 112. So, option A जो है, that would have been your answer. Then next question था, a new cereal formed of a mixture of bran and rice contain at least 88 grams of protein and at least 36 milligrams of iron. Knowing that bran contains 80 grams of protein and 40 milligrams of iron per kg, and the rice contains 100 grams of protein and 30 milligrams of iron per kg, frame an LPP to minimize the cost of producing 1 kg. Minimize the cost of producing 1 kg of cereal. If the bran costs rupees 28 and the rice costs rupees 25 per kg. अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन था, एक तो हमें गिवन की जो एक नई सीरियल जो है, एक नई तरह का सीरियल जो है वो बनाया गया, that is made of a combination of bran and rice, जिसमें at least 88 gram of protein आपको चाहिए and iron 36 milligrams. Knowing that bran contains, bran में भी आप हमें 80 grams of protein and 40 mg of iron and rice में भी आप हमें 100 grams of protein and 30 mg of iron. Now we are going to frame the LPP. अब देखो देखो इसमें जो हमें कंडीशंस गिवन है, अगर हम उनके अकॉर्डिंगली चले तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ सीरियल. 1 kg ऑफ सीरियल जो है हमें प्रोड्यूस करना है, और मिक्सचर जो है हमारा वो है प्रोटीन और आयरन कंटेन कर रहा है, मिक्सचर है ब्रेड और राइस का. तो हमने इसको एक्स मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया. अब इसमें जो least 88 gram of protein जो है वो हमारा होना चाहिए. तो means जो हमारी first equation बनी, that is this. कम से कम 88 होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है. Same way में this will be 40x plus 30y and at least था ये भी, so this is greater than or equal to 36. Then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ये हमने कितना हम लेना है. उसके बाद उसमें हमें क्या कंडीशन दी है कि वी आर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सीरियल, यानी कि जितना भी अमाउंट हम एक्स और वाई का लेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 kg से वो ज्यादा आपका नहीं हो सकता. तो प्रोड्यूसिंग 1 kg है तो लेस देन भी नहीं लेना आपने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लेना है. तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो था आपका, दैट वॉज योर आंसर. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 में वी आर हैविंग y is equal to x cos x and we were to find out the double derivative. ये सिंपल सा था क्वेश्चन आपका, दो बार आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना था. तो y dash is equal to u into v, u as it is, derivative of v, that is cos x का derivative minus sin x, plus u as it is, derivative of x is 1. तो आपका आंसर आ जाना था minus x cos x प्लस कॉस एक्स. डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो डबल डेरिवेटिव हम लेंगे. तो नेक्स्ट हमारा बनेगा माइनस एक्स साइन एक्स में अगेन हम यू इनटू वी लगा देंगे. सो दिस इज माइनस एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस, देन माइनस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव इज 1. उसके बाद प्लस कॉस एक्स है, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स. उसके बाद केस स्टडी थोड़ा ध्यान से करना. फर्स्ट टू क्वेश्चन इससे इजी थे, नेक्स्ट में थोड़ा सा आई है आप लोगों को प्रॉब्लम. हमें गिवन था सॉमी इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ मैथ, ही हैज अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर. सॉमी के पास वायर का एक पीस है जिसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है. And he has to make a square and an equilateral triangle from it. अब उसने जो square बनाया
और जो प्राइमर बनाया दैट इज मेड फ्रॉम द पीस ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर वाले को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया होगा एंड देन ही वुड हैव मेड दीस टू फिगर्स. अब क्वेश्चन नंबर 46 में उसने कहा द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज एक्स सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें अगर गिवन है एक्स सेंटीमीटर, इट मींस साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी आपकी, आपको पता है 4 टाइम्स साइड इज पैरामीटर, तो साइड कितनी आ गई आपके पास दैट इज एक्स बाई 4. साइड ऑफ स्क्वायर होगी एक्स बाई 4. अब अगर एक्स सेंटीमीटर उसने स्क्वायर को बनाने के लिए यूज किया तो इट मींस ट्राइंगल का जो पैरामीटर आपका आएगा दैट विल बी 36 माइनस एक्स, यानी कि उसने इस वाले वायर को टू पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट एक्स का जिससे उसने स्क्वायर बना दिया, तभी हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एक्स सेंटीमीटर भी बने. बाकी जो है वो कितना बचा 36 माइनस एक्स, जिससे उसने क्या बना दिया ट्राइंगल बना दिया, यानी कि जो हमारे पास ट्राइंगल है ट्राइंगल का पैरामीटर हमें गिवन है 36 माइनस एक्स. अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें गिवन था द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज एक्स सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड एज एक्स अपॉन 4. सेकंड में अगेन 47 क्वेश्चन में हमें गिवन था लेट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज. अब अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एक्स गिवन है तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 36 माइनस एक्स आ गया, इसमें हमें उसने क्या कहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस थ्री टाइम्स साइड होती है दैट इज इक्वल टू पैरामीटर, तो साइड इज इक्वल टू पैरामीटर 36 माइनस एक्स, तो साइड इज इक्वल टू 36 बाय 3 यानी कि 12 माइनस एक्स अपॉन 3 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन बी जो है वो आपका. देन क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ से थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हुई थी इसको सॉल्व करने में. क्वेश्चन नंबर 48 में हमें गिवन है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू फिगर्स इफ एक्स इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. अगर एक्स जो है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द टू फिगर्स. अब एरिया ऑफ द टू फिगर्स में हमें वन फिगर दिया गिवन है स्क्वायर एंड द सेकंड वन दिया गिवन है एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. साइड्स हम इनकी निकाल चुके हैं तो एरिया में मुझे सिंपली क्या करना था एरिया निकाल के उनको ऐड करना था. एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमें एक्स बाई फोर गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स बाई फोर का स्क्वायर प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आपका एरिया है उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर. सेम फॉर्मूला वी विल यूज ओवर हियर रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर. तो रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड हमें कितनी गिवन है 12 माइनस एक्स बाय 3. तो अब आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड यू विल हैव गॉट योर आंसर. सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आप ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को कंबाइन कर दो रूट थ्री बाय 36 प्लस यहाँ पे दिस विल बी 16. So this is root 3 by 36 plus 1 by 16 into x square. ये x square वाली टर्म हमने ली थी. उसके बाद minus 2 root 3 x plus 36 root 3. तो इसके accordingly जो है आपका option C जो है that was your correct answer. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 49 में उसने हमें कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर पीस इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फिगर्स इज मिनिमम. आप सम ऑफ द एरियाज निकाल चुके हो रूट थ्री बाई 36 प्लस 1 बाई 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 36 रूट 3.
अब आपने क्या करना है, इसको मिनिमम करना है. तो मिनिमम जो है करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इट्स डेरिवेटिव. देन डेरिवेटिव को आप इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हो, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करते हो एंड देन यू चेक कि आपका आंसर क्या आ रहा है. अब एरिया जो है वो हमारे पास ये आ गया, सो वी आर टू फाइंड आउट बी ए बाय बी. बी ए बाय बी एक्स के लिए दिस इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज आ जाएगा आपका. ये 3 बाय 6 प्लस 1 बाय 16 अब जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थी उस ऑप्शन में हमारे पास ये चीज नहीं थी, तो इसको हमने क्या करना है, फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे. 36 और 16 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एंड देन बाकी की जो टर्म्स हैं आप इनको ऊपर ले जाओगे. 36 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे दैट इज इक्वल टू 144. इस वाले की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है या लेस देन जीरो आ रही है. तो डबल डेरिवेटिव के लिए नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव 0, सो दिस इज 3 बाय 18 प्लस 1 बाय 8. अब ये दोनों जो है आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है, फिक्स्ड वैल्यूज है, तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. डबल डेरिवेटिव क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0 है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ जो है आप इसको ये कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्क्वायर पीस है दैट विल बी मिनिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0. तो x की वैल्यू 144√3/4√3 प्लस 9. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 था आपका, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज. अब हमें साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालनी है, तो हमारे पास जो है लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने निकाली थी 12 माइनस x बाय 3. This was the length of the side of the equilateral triangle. So 12 minus x by. इसको सिंपलीफाई करके आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. LCM ले लोगे and then you will simplify. कोई मिस्टेक की है तो यू आर टू फाइंड आउट कि क्या मिस्टेक की है. वन मिस्टेक आई हैव मेड इन दिस, मिस्टेक बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड. इस स्टेप से ये स्टेप लिखते हुए क्या मिस्टेक है दैट यू हैव टू टेल. मैंने यहाँ एलसीएम लिया, चेक वेदर आई हैव टेकन इट एज अ करेक्ट वन और नॉट, ताकि मुझे पता लगे कि कितने आप ऑनलाइन हो.
Yes, Charanjot. Unmute yourself. देखिए मैंने यहाँ जो एलसीएम लिया है मैंने यहाँ 12 को सिर्फ इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बाकी जो आगे था उससे मल्टीप्लाई, इस वाले से मल्टीप्लाई नहीं किया है. तो इट मीन्स मैंने ये जो एलसीएम लिया है दिस वन इज रॉन्ग. अब बताओ क्या आएगा यहाँ. It's too bad कि आपको कैलकुलेट भी नहीं ठीक तरह से बता रहा है कि क्या मिस्टेक है. यहाँ देखो ये 12 3 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपका 27. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एलसीएम लेते हुए यू विल बी हैविंग 3 प्लस दिस इज 12 × 27. ऑप्शन डी जो था इसमें आपका करेक्ट आंसर था. So this was your set A. Now we are moving on to set B. Set B के आपके जो काफी कुछ questions थे वो हमने इसमें set A में discuss कर लिए हैं. So that I will not discuss. हम सीधा जो है उन questions को छोड़ के we will move forward. अब next जो हमारा है question that is अब हमें बताना है कंसीडर द रूल f सच दैट a टू b है ये f of x is equal to 2x. we are to tell the domain, codomain and range. हमने डोमेन बताना है इसका, हमने कोडोमेन बताना है एंड वी आर टू टेल द रेंज आल्सो. तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको चेक करेंगे. डोमेन हमें पता है कि जो सेट a है ना, तो सेट ए इज 1 2 3, तो डोमेन आ गया हमारा 1 2 3. उसके बाद उसने क्या पूछा, फाइंड द कोडोमेन हमें पता है दैट इज सेट बी. तो सेट बी हमें गिवन है 2 4 6 7 8. देन वी आर टू फाइंड आउट द रेंज. रेंज में हमें पता है कि हम ये वाली वैल्यू से यहां पे पुट करेंगे x की, x को 1 पुट करोगे दैट इज 2, फिर 2 पुट करोगे 4 एंड देन 3 पुट करोगे तो इट विल बी 6. तो ऑप्शंस, अब इनका जो है ऑप्शंस में हमें गिवन सारे यही थे ऑप्शंस, बट जो सीक्वेंस था क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो पहले हमें डोमेन एंड देन कोडोमेन एंड देन रेंज लिखने थे. तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर है. देन नेक्स्ट वन हमने बहुत बार किया हुआ था, एल जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन को, एंड रिलेशन जो है वो फ्रॉम अल्फा टू बीटा डिफाइंड है सच दैट अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा. तो अगर दो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है तो जब हम अल्फा रिलेटेड टू अल्फा लेते हैं, अ लाइन कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी. अगर अल्फा रिलेटेड टू बीटा यानी कि अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर, तो बीटा इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो दिस रिलेशन इज सिमिलर. Then alpha beta के perpendicular and beta जो है वो gamma के perpendicular. तो alpha and gamma are not perpendicular, so it is not transitive also. यानी कि this relation is symmetric only. तो option A, B जो है that was your answer.
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ. तो ये आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का सही था. जब आपने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही थी दैट वाज 3 पाई बाय 4. तो ऑप्शन सी इसका आपका आंसर था. देन डोमेन ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स रूट एक्स माइनस 1. तो दिस इज अगेन हमने इसे इसी तरीके से लेना था क्योंकि जो है ये आपका माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाइक करता है. तो इट मींस जब आप इसको लेके चलोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के आपके पास ये रिलेशन बनता था. अब यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस वन था तो क्योंकि ये वन और वन नहीं हो सकता तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं जीरो. एंड देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, this is 1 plus 1, this is 0 plus 1 and this is 1 plus 1. So, हमारा जो वैल्यू है, this lies between 0 to 2. जब आप यहाँ पे स्क्वायर कर देते हो तो जो मिनिमम वैल्यू आपकी बनती है क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू बनती है वो आपकी 0 to 1 बनती है. वैसे भी आप इसको डायरेक्टली अदरवाइज ले सकते हो. जब आप रूट एक्स माइनस वन दे रहे हो तो वो नेगेटिव नहीं बनेगा तो उस केस में आपकी जो साइन की वैल्यू है दैट लाइज फ्रॉम 0 टू 1. तो एक्स माइनस वन लाइज फ्रॉम 0 टू 1 तो एक्स लाइज फ्रॉम 1 टू 2. यहाँ 0 टू 2 की बजाय आ जाएगा आपका 1 टू 2. आपका ऑप्शन ए जो है दैट वॉज योर आंसर. देन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपकी कब होती है, इफ आई इज लेस देन जी. लोअर ट्राइंगुलर में जब आप मैट्रिक्स होती है कि a ऑफ i के इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल i लेस देन j. ये आपका a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. अब मैट्रिक्स जो है लोअर ट्राइंगुलर होगी मींस इस साइड में एग्जिस्ट करेगी यानी कि ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स शुड बी 0. आप इसमें देखो 1 is less than 2, 1 is less than 3, 2 is less than 3. कंडीशन क्या आ रही है आपकी, I is less than j. तो लोअर ट्राइंगल के लिए जो आपका रो वाली वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन द कॉलम वाली वैल्यू. उसके बाद 6th क्वेश्चन में था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली था अगेन. तो आपको इसको अकॉर्डिंगली लेके चलना था. ये मोस्टली आपका सही था, 2, 3 इसका आंसर था. देन क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी बच्चों का सही था. a इज इक्वल टू 1, 3, 3, 4 एंड a स्क्वायर माइनस के a माइनस 5i. आपको नल मैट्रिक्स गिवन था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो दिस वाज आल्सो करेक्ट, 5 इसका आपका आंसर आ रहा था. देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, आपको डिटरमिनेंट ऑफ एड जॉइंट गिवन था 64, आपकी वैल्यू निकालनी थी डिटरमिनेंट ऑफ A. हमें अब ये पता है कि जब हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो दैट इज डिटरमिनेंट का स्क्वायर, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का 1 लेस देन फॉर. तो जब हमें एक मींस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर क्योंकि हमारा 3 था तो 1 लेस यानी कि 2 बन गया. इट मींस आपने इसका रूट फाइंड आउट करना था तो डिटरमिनेंट आपका 8 आ जाना. देन पॉजिटिव वैल्यू पूछा था तो आपका आंसर जो है वो 2 आना था, प्लस 2 जो है दैट वाज योर आंसर क्योंकि उसने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पूछा था. यहाँ पे आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, माइनस 2 एंड प्लस 1 बन जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस वाज योर पॉजिटिव वैल्यू. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. मैट्रिक्स जो है वो आपकी सिंगुलर कब होती है, जब डिटरमिनेंट हो जाए दैट इज इक्वल टू 0. तो आपने सिंपली यहां पे मैट्रिक्स गिवन के आपको 2 sin x 1 t 2
टू साइन स्क्वायर। आपने इसके डिनोमिनेंट को इक्वल टू जीरो पुट करना था, तो दिस इज फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब जो है हमने इसको निकालना था अकॉर्डिंगली, यहाँ माइनस थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री बाई टू। अब अकॉर्डिंगली जो है हमने लेके चलना था, क्योंकि हमें गिवन था जो इंटरवल है दैट इज फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई, सेकेंड जो है इंटरवल बन रहा है, तो सेकेंड इंटरवल में साइन की वैल्यू हमने लेके चलनी है। नो डाउट कि साइन हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, तो हमने इसको प्लस रूट थ्री बाई टू ले लिया, बट सेकेंड साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू जो है दैट इज फॉर टू पाई, यानी कि 120 डिग्री पे दिस इज रूट थ्री पाई बाई टू, तो टू पाई बाई थ्री आपका आंसर आ जाना था। सो आई गेस हाँ टाइम हो चुका है, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू। एंड सी स्टूडेंट्स, बच्चे प्लीज जॉइन आफ्टर टू मिनट्स, एंड प्लस टू ए आई एम एंडिंग द मीटिंग, इफ एनी डाउट इज देयर।